हाय दोस्तों, बी एल लेक्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पैर से सिर तक के लिए एक शब्द है, सिखनख सिरों पर, पाद मस्तक आपाद मस्तक, तो बताइए दोस्तों क्या होगा? पैर से सिर तक के लिए एक शब्द, तो दोस्तों ये होगा अपाद मस्तक। क्या होगा दोस्तों? अपाद मस्तक। आगे चलते हैं। अज्ञ का अर्थ क्या है? जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे अज्ञ का क्या अर्थ होगा? तो दोस्तों यहाँ पे अज्ञ का अर्थ होगा जो कुछ भी नहीं जानता हो। आगे चलते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा के लिए एक शब्द है, तो बताइए दोस्तों पूरब और उत्तर के बीच की दिशा के लिए एक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा ईशान। ईशान जो है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को दोस्तों ईशान कहते हैं। और आग्नेय किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को कहते हैं। और वायव्य किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को। और नैऋत्य ये किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये कहते हैं दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को कहते हैं। तो दोस्तों तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, ईशान। आगे चलते हैं। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं, तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा है जो शुद्ध है? तो दोस्तों इसमें शुद्ध रूप है ऑप्शन नंबर सी, भारत में अनेक जातियां हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो दोस्तों चारों एक ही शब्द हैं, बस कहीं पे कॉमा है तो कहीं पे क्या है, तो देखिए दोस्तों बस थोड़े से अंतर है, आपको बस इन्हीं को पहचानना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वाह कितना सुंदर दृश्य है। दोस्तों यहाँ पे वाह के बाद संबोधन का चिन्ह होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए? खड़ी पाई होना चाहिए, न कि क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। आगे चलते हैं। तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तुमको मुझे पढ़ाना है, तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा है जो अशुद्ध है? तो दोस्तों इसमें अशुद्ध होगा तुमको, क्योंकि तुमको की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों? आपको मुझे पढ़ाना है, ये जो है शुद्ध होगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? दोस्तों चारों ऑप्शन में अधिशासी लिखे हैं, बस स को इधर उधर कर दिया है, तो आप पहचानिए इसमें कौन सा शुद्ध है। तो दोस्तों ध्यान से इसमें देखिए हमारा कौन सा शुद्ध होगा? ऑप्शन नंबर ए, ये वाला अधिशासी जो है सही है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? पार मुखपेक्षी, परामुखपेक्षी, परमुखापेक्षी, परमुखपेक्षी, तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही है? तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों?
तो यहाँ पे हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर सी, पर मुखापेक्षी, ये वाला जो है शुद्ध है। आगे चलते हैं, दाम लगाना का अर्थ है मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्र देना, मोल भाव करना। तो बताइए दोस्तों, दाम लगाना का अर्थ है, तो दोस्तों यहाँ पे होगा दाम लगाना का अर्थ मूल्य आंकना होता है। आगे चलते हैं, दिल पक जाना का अर्थ है अच्छा लगना, प्रेम न होना, अत्यंत पीड़ित होना, कष्ट पहुँचाना। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा दिल पक जाना का अर्थ, तो दोस्तों यहाँ पे होगा अत्यंत पीड़ित होना। आगे चलते हैं, मखमली जूते मारना का अर्थ है व्यंग करना, अपमानित करना, गुण प्रकट करना, मीठी बातों से लज्जित करना। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा शुद्ध है, मखमली जूते मारना का अर्थ, तो दोस्तों यहाँ पे होगा मखमली जूते मारना का अर्थ होगा मीठी बातों से लज्जित करना, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है वाणी, भूमिजा, जानकी, कालिंदी, अर्कजा, कमला, महाश्वेता, इलावागीस, पुरोहित, जिष्णु, वज्रधर। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा है जो सरस्वती का पर्यायवाची है, तो दोस्तों देखिए इसमें पहले वाले में अगर ऑप्शन ए में देखें तो देखिए वाणी ये तो सरस्वती का है, लेकिन भूमिजा, जानकी ये दोनों क्या है दोस्तों, ये सीता के हैं, तो ये तो होगा नहीं। और दूसरे वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे कालिंदी, अर्कजा, कमला, तो कालिंदी और अर्कजा ये तो होगा नहीं क्योंकि ये यमुना के पर्यायवाची हैं, और कमला ये किसका है दोस्तों, लक्ष्मी का है। और ऑप्शन नंबर डी में देखें तो पुरोहित, जिष्णु, वज्रधर ये किसका है दोस्तों, ये इंद्र का पर्यायवाची है। और बचा क्या ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों ये है महाश्वेता, इलावागीस, ये दोस्तों सरस्वती के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे हमारा सही कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, मार किसका पर्यायवाची शब्द है, वाणी, कालिंदी, कामदेव, केसरी, तो बताइए दोस्तों किसका पर्यायवाची है मार, तो दोस्तों मार जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है, वाणी किसका है सरस्वती का, कालिंदी यमुना का, केसरी किसका है दोस्तों ये सिंह का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं, अधर्म का पर्यायवाची शब्द है पाप, अनाचार, अपकर्म, ये सभी, तो बताइए दोस्तों अधर्म का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा सही है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है अधर्म का तीनों पर्यायवाची है, पाप, अनाचार, अपकर्म, ये सभी जो है अधर्म के पर्यायवाची है, तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ये सभी। आगे चलते हैं, विहित का विलोम शब्द है निषिद्ध, कृत, निर्मित, अदिष्ट, तो बताइए दोस्तों विहित का विलोम क्या होता है, तो दोस्तों विहित का विलोम निषिद्ध होता है। आगे चलते हैं, विवाद का विलोम शब्द है संवाद, प्रतिवाद, वाद, निर्विवाद, तो बताइए दोस्तों विवाद का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों विवाद का विलोम होगा निर्विवाद। आगे चलते हैं, ग्राह्य का विलोम नहीं है, तो बताइए दोस्तों इसमें ग्राह्य का विलोम शब्द नहीं है, अग्राह्य, त्याज्य दोनों सही है, सधवा, तो इसमें ग्राह्य का विलोम शब्द नहीं है कौन सा दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए विलोम शब्द नहीं है, तो ये जो दोस्तों थोड़ा सा इधर उधर हो गया है,
तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सधवा, ये जो है ग्राह्य का विलोम शब्द नहीं है, जो कि अग्राह्य त्याज ये दोनों जो है ग्राह्य के विलोम हैं। आगे चलते हैं, उद्धत का विलोम शब्द नहीं है दोस्तों, यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक हो गया, विलोम शब्द नहीं है, शब्द और नहीं जो है ये इधर उधर हो गए हैं। तो क्या होगा दोस्तों, सौम्य विनीत दोनों सही है, स्थूल। तो बताइए दोस्तों, उद्धत का विलोम शब्द नहीं है इसमें, तो इसमें कौन सा नहीं है दोस्तों, स्थूल। इसमें उद्धत का क्या क्या है, सौम्य विनीत ये दोनों जो है उद्धत के विलोम शब्द हैं, जबकि स्थूल नहीं है। आगे चलते हैं, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है चांदनी, पक्षी, मंथन, करवाल। तो बताइए दोस्तों, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची इसमें है कौन सा, तो दोस्तों इसमें जो है करवाल है, और चंद्रहास और करवाल ये दोनों पर्यायवाची शब्द है, जबकि ये है किसके पर्यायवाची दोस्तों, तो ये दोनों जो है तलवार के पर्यायवाची शब्द है, चंद्रहास और करवाल, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, और ये हमारा जो है आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, उज्ज्वल, कवित्री, कवियित्री, मोक्ष। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा है जो एक अशुद्ध लिखा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है कवियित्री जो है ये गलत लिखा हुआ, जबकि ये वाला कवियित्री सही है, यहाँ पे कवियित्री हो गया तो ये गलत हो गया, बाकी उज्ज्वल और मोक्ष ये सब जो है शुद्ध है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ये जो है अशुद्ध है। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।